हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग समस्त को। एक्चुअली मझे टिके रेकॉर्डिंग करि पार नथिलि, बहुत व्यस्त रे थिलि। तो वर्तमान नेक्स्ट आमर पिलांकर बीएड रो सेकंड सेमिस्टर एन यूनिवर्सिटी रो होबार अछि बहुत जल्दी। तो सेथि पई मु सेकंड सेमिस्टर रो किछि पेपर एबे टाइम बाहर करिके करिबा पई भाबुछि। सो आमे स्टार्ट करिबा। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो आई होप आपण माने सब भल रे थिबे। सो आज टीचिंग टा आमर ओडिया रे रहिबो, कारण बहुत जणकर माने रिक्वेस्ट अछि कि आमर जो लैंग्वेज टा ओडिया रे हो बोली। सो सेति पई आज ओडिया रे मु पढौछि। सो आज आम सेकेंड सेमिस्टर रो गोटे पेपर आमर जोटा अच्छी लर्निंग एंड टीचिंग, जोटा कि आमर 80 मार्क्स रो पेपर आपण मानकर। तो से ही पेपर उपर आम आज किछि चर्चा करिबा, किछि पढ़िबा, ठीक अच्छे। तो जेहेतु आउ बहुत अल्प दिन रहिला, सेतिपाई मु भाबुची आपण माने जेमती मो वीडियो देखिकी किछि गेन करंतु, जहाँ द्वारा कि आपण माने किछि एग्जाम रे भल कि लेखि पारिबे भल कि। तो आपण माने वीडियो देखिकी तापर टिके ओवरलुक कले आपण इजिली एग्जाम रे पेपर अपीयर करि पारिबे। तो आशा करूची आपण मानको वीडियो टी भल लागिबो। सो भल लागे आपण लाइक आउ सब्सक्राइब करिबे। ओके, सो आज आम लर्निंग एंड टीचिंग रो पेपर फास्ट स्टार्ट करिबा, देखिबा केते पंदो मु आपण मानको आज पढ़े पारूची। तापर आम वन बाय वन इफ पॉसिबल मु नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करिबी। सो आपण माने सब्सक्राइब करले जेतेले भी वीडियो अपलोड होबा आपण मानको नोटिफिकेशन जाय पारे। ओके, सो आउ समय नष्ट न करके आम स्टार्ट करिबा। सो आमर जो पेपर टी अछि आमर लर्निंग एंड टीचिंग। ओके, सो लर्निंग एंड टीचिंग रे आमर बहुत सारा यूनिट अछि। एठी फर्स्ट यूनिट आपण पाइबे प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग आम पढ़िबा। तो यदि आपण माने कहिबे मु आपण मानको देखै दउछि, आमर अछि एक्चुअली 4 यूनिट्स आर देयर, सॉरी 5 यूनिट्स आर देयर। फर्स्ट आमर हला देखि पार्थिबे आपण माने यूनिट 1, जोटा कि आमर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जोटा आम एबे स्टार्ट करिबा। तापर आमर अछि बिहेवियरल परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग, देन कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग, देन आमर टीचिंग प्रोसेस, लास्टली आमर रहिबो लर्निंग एनवायरनमेंट एंड लर्निंग मैनेजमेंट। ओके, सो आम स्टार्ट करिबा आमर फर्स्ट जोटा आमर यूनिट 1, दैट इज योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। होप आपण मानको वीडियो टी देखा जाउथबो क्लियरली। सो फर्स्ट है आमर कनसेप्ट ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग रो मीनिंग कौन, आम लर्निंग द्वारा कौन बुझू। सो लर्निंग टा हूँ गोटे ह्यूमन लाइफ रो गोटे इम्पोर्टेंट फेज, आम कहीपर गोटे ह्यूमन लाइफ रो गोटे इम्पोर्टेंट पार्ट, जोटा कि आम एजुकेशन आम देखा जब एजुकेशन एटा बेसिक फैक्टर एंड इट्स इज द ग्रोथ ऑफ इन द अडप्टेसन ऑफ बिहेवियर। मैंने आमर जिते आम लर्निंग करवा आम बिहेवियर से चेंज हो चलो, से आम सिचुएसन सर्कमस्टानसेस को फेस कर पारा। लर्निंग टा कौन गोटे कंप्रेहेन्सीव टर्म। तो लर्निंग मैंने कौन, आम कि नलेज गेन करुँ, आम बिहेवियर में किसी चेंजेस आसूँ, आम स्किल्स किसी चेंजेस आसूँ। सो इट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। आउ गोटे हूँ इट इज ए इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्टर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। विदाउट लर्निंग आम तो एजुकेशन कहीपरानी कि केवे आगू बढ़ुची बोली। सो दैट इज द बेसिक कनसेप्ट ऑफ लर्निंग। ओके, सो लर्निंग रे बहुत गुड डेफिनेशन बुक रे आपण देखि परुथिबे, बहुत गुड डेफिनेशन अछि। तो लर्निंग रे जदि किछ क्वेश्चन आसेला आपण लर्निंग रो फर्स्ट आगे कांसेप्ट लिखिबे, इट इज ए बेसिक फैक्टर इन एजुकेशन, इट इज ए इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जेमिति मु अभी बुझेली। देन आम किछटा प्रोफाउंड पर्सन मैंने जो डेफिनेशन गुड़िक देइछंती, से डेफिनेशन गुड़िक जदि आम देखिबा, देन आम देखिपारथुवा मुन मुन कौन दे लर्निंग टा कौन, लर्निंग इज मोर अर लेस ए परमानेंट इनक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन बिहेवियर। से कहते कि जिते लर्निंग होहती गोटे इनक्रीमेंटल बिहेवियर हो, जहाँती गोटे मैंने मॉडिफिकेशन जोटा होटा कि पॉजिटिव आड़ को मूव करुच्छे। देन क्रो एंड क्रो लर्निंग इनवल्व्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड। किसीटा जिनस एमती था जोटा कि आम एक्वायर्ड करूँ नेचुरली, एक्विजिशन जमी आम गोटे मदर टंग, आमे जेतेले छोटो छुआ गोटे छोटो छुआ को गोटे वर्षे दि वर्षर छुआ को आमे केबे लैंग्वेज कोन ताको आमे पढ़ाऊँचंती ना लिखाऊँचंती सेगुडा तो आमे किछ करू नांती, से कोन करछि नेचुरली एक्वायर्ड करछि, एक्विजिशन होछि तार, सेटा कोआ जाउछि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो आमे देखिबा जदि लर्निंग सेटा गोटे खाली बुक पेपर पेन धरी कि लर्न कले हबनी कि स्कूल गले हबनी, लर्निंग टा ऑटोमेटिकली एक्विजिशन भी होई परिवो, किछ हैबिट्स भी होई परिवो, जोटा आमे ऑब्जर्व करिकि किछ हैबिट्स आमर सकाळे उठिबा आमर एक्सरसाइज करिबा सेटा कोन आमे सिखुचंती, आमे ऑटोमेटिकली आम गोटे हैबिट रे पड़ी जाऊँ। तो सी कहिया कथा कि लर्निंग इनवल्व्स एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड।
स्किनर लर्निंग इज बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। आम लर्न कले आम रिटेंशन भी करवा माने आम रखा जहाद्वारा कि आम जो नेक्स्ट से जिनसा करने को जाऊँ तो से स्किलटा आमर आगे आसो। देन गेट्स लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। गेट्स कौन कि जब आम किसी जिन एक्सपीरियंस कर देन आम कि लर्न कर जनरली कि आम मोर यही एक्सपीरियंस बहुत किसी शिखिली ता मैंने कौन लर्निंग इज नथिंग बट द बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। सो एमती बहुत गुड़े डेफिनेशन दे तो मुझे तीन चार डेफिनेशन आपको कहली आपण मूँ कारण आम पाखे तो बहुत समय ना कि आम लाइन बाय लाइन देखिपर तो मुझे भावुँ आप कि माने आइडिया हो जाए व्हाट इज लर्निंग। देन आमर है डेनियल बेल से कहते कि यहाँ हूँ ड्यू टू मॉडिफिकेशन ड्यू टू एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट आउ पाई ही आमर जो मॉडिफिकेशन हो तो बहुत गुड़े डेफिनेशन आम ये देखिले आम नेक्स्ट मूव करवा द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इनक्लूड्स द फॉलोइंग। तो एबे आमे कौन कंक्लूजन पाइले आमे तो देखिले बहुत सारा डेफिनेशन देखिले लर्निंग केमती होउची लर्निंगटा को फेज। तो एबे आमे जदि कहिबा आमर जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग रे कौन कौन जिनस रहउ गोटे होउची एक्विजिशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस किसी नुआ जिनस आमे सिखु चंती रिटेंशन ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माने आमे जहा भी सिखि चंती ताको आमे रखु चंती डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस आमे जहा भी मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट होउची किछि ना मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस भी हेइ पारुची सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंस आमे जहा ओल्ड एक्सपीरियंस थिला अबे किछ न्यू एक्सपीरियंस गेन करले सो दैट इज नथिंग बट योर लर्निंग। तो लर्निंग प्रोसेस रे दिस आर द थिंग दैट इज गोइंग अंडर द लर्निंग प्रोसेस। तो एबे हम जीवा किछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। सो लर्निंग टा कोना प्रोग्रेसिव जेमती मु कहली जेमती प्रोग्रेसिव माने लर्निंग होउची माने दैट इज ए पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड माने पॉजिटिवली हम आगु को बढ़चू प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर हम कहि परिवार। लर्निंग इज एडजस्टमेंट हम कोठी की जाऊँ आम निजुक आडजस्ट करते आम शिखुं आडजस्ट करवा शिखुं तो लर्निंग इज नथिंग बट द आडजस्टमेंट। तो लर्निंग मैंने कौन आम किसी गेन कले आम किसी मोडाए कले मैंने कौन आम निजुक आडजस्ट कले। तो लर्निंग इज ग्रोथ अभीयसली आम जब देखा कि प्रोग्रेसीव चेंज इन बिहेवियर होता कौन लर्निंग गोटे ग्रोथ। लर्निंग इज ए अर्गानाइजिंग एक्सपीरियंस आम कौन कल लर्निंग इज अर्गानाइजिंग एक्सपीरियंस मैंने आम जिते लर्न करें से एक्सपीरियंसटा को अर्गानाइज करूँ। लर्निंग इज कंटिन्यूस ऑब्वियसली लर्निंग इज कंटिन्यूस कहीं आम फ्रम बर्थ टू एडल्टहुड आम जब पर्यंत बंची से आम किसी ना कि लर्न करता तो लर्निंग इज कंटिन्यूस आ लर्निंग इज पर्पजफुल आम जहाँ भी शिखुचु तार गोटे पर्पज अच्छी नीड बेस्ड हो पाए आम द्वारा किसी दरकार अच्छे आमको यहाँ शिखा दरकार तो सीटा गोटे नीड बेस्ड लर्निंग हो पाए यूनिवर्सल सॉरी समस्ती को पाने लर्निंग निहाती दरकार। लर्निंग इज ए एक्टिव प्रोसेस इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव ऑब्वियसली आम जो लर्निंग लर्न करुचु तो आम किसी गोटे क्रिएटिव जिनस करपरचु आमर इंटेलिजेंस पावर बढ़ुची आईक्यू लेवल बढ़ुची। सो लर्निंग इफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर जेहेतु यहाँ गोटे चेंज इन एटीट्यूड हो पार्चे गोटे स्किल्स आम एक्वायर कर हिसाब से आमर बिहेवियर चेंज हो एटीट्यूड चेंज होने कौन इट इफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ ए लर्नर। लर्नर आगुरु कंडक्ट कौन थी एवं लर्न होगापर केमती तार चेंज है दैट इफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ ए लर्नर। ओके देन आसल आम प्रिंसिपल्स ऑफ देन आमर आउ दुटा पॉइंट अच्छी लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑब्वियसली लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल माने आम जब गोटे जिनस शिखी आम आउ गोटे जिनस स्किलटा को आम अप्लाय करपरिया। ओके सो देर आर डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ जोटा आम आगे देखी सारे यहाँ गोटे ह्यूमन लाइफ रोटे इंपोर्टेंट पार्ट। लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस तो से जिनस गुड़ा जोटा आम देखिले से ही जिनसा को आम प्रिंसिपल ले भी लिखिपर। लर्निंग इज अ टोटल रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू टोटल सिचुएशन आम कौ सिचुएशन केमती रिएक्शन करें कहे पिलाटा शिखिनी तो पिलाटा शिखिला जितेबाला कौन से सिचुएशन को हैंडल कर। तो लर्निंग इज पर्पजफुल जोटा आम आगे देखिले कि लर्निंग नीड बेस्ड किसी गोटे नीड को लेकिन आम लर्निंग था। सो दिज आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जोटा आम आगे पढ़ले से ही जिनसटा ही ये लिखाही। ओके सो नेक्स्ट आम मूव करवा टाइप्स ऑफ लर्निंग। ओके सो दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट जो टाइप्स ऑफ लर्निंग टाइम पढ़ाक जाऊँगी बहुत इंपोर्टेंट कारण लर्निंग टाइप्सटा जदि आम शिखा निहाती गोटे यूर क्वेश्चन आसो व्हाट इज लर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग यूर गोटे निहाती क्वेश्चन आसो तो से बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आपन मन दे सुनंतु। सो टाइप्स ऑफ लर्निंग लर्निंग टाइम देखिले लर्निंग आमर आम आगुरी जानते आम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आम थ्री डोमेन्स आम थ्री तीन टा डोमेन अच्छी कौन कॉग्निटिव डोमेन एफेक्टिव डोमेन एंड कॉग्निटिव डोमेन तीन टा डोमेन अच्छी। तो यही जो लर्निंगटा कहुच लर्निंग सब डोमेन रोचे कॉग्निटिव भी होफेक्टिव भी रोचे कॉग्निटिव भी रोचे तो सब डोमेन आम लर्निंगटा हो पारे हेला। तो से हिसाब से आम फर्स्ट आगे लिखिले कि लर्निंग अकर्स इन ऑल द थ्री डोमेन्स देन आम जीवा नेक्स्ट को टाइप्स ऑफ लर्निंग।
तो फाइव सब लर्निंग रे आपण देखंतु सिग्नल लर्निंग एसआर लर्निंग चेन लर्निंग वर्बल एसोसिएट लर्निंग मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग लर्निंग ऑफ कांसेप्ट लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फर्स्ट है हमर सिग्नल लर्निंग। तो सिग्नल लर्निंग टा कौन मुझे आपण मानक गोटे एग्जांपल देबी जो एग्जांपल द्वारा आपणकर गोटे थर कांसेप्ट क्लियर हो घोषा दरकार नहीं आपण निजे भी एग्जांपल देकि निजे जिनसटा को बुझे पारे। तो सिग्नल लर्निंग रा माने हैला गोटे एग्जांपल दौर एटा ये जो लर्निंग टाइप ऑफ लर्निंग एटा डेवलप होता बाय पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट पावलोव एटा को आम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहूँ। तो यहाँ हूँ गोटे थियोरी ऑफ कंडीशनिंग। गोटे डॉग को आम जो खावाप दौंटू आम कौन कले बेल बजे खावाक दे फर्स्ट दिन दे सेकेंड दिन दे बेल बजे थर्ड दिन दे बेल बजे। तो कौन है ना जिते बड़े गोटे डॉग खावा देखे तो कौन हुए सालिवेशन हुए बट एबे सी एमती कंडीशनिंग होगा जे कि दिन एमती रिपीटेडली बेल बजे खावा देलापर जिते बड़े बेल बाजिला ऑटोमेटिकली सालिवेशन कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ द डॉग। ता माने कौन डॉगटा कंडीशन होगा टू द स्टिमुलस तार रिएक्शनटा बेल बाजिला माने ही सी जानला कि खावा आसो तार ऑटोमेटिकली सालिवेशन हवा स्टार्ट है। तो यहाँ कौन कौन एटा गोटे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर दैट कॉजेस द सालिवेशन टू द साउंड ऑफ द बेल एंड दैट इज नोन एज कंडीशनिंग। माने डॉग र कंडीशन होगा कि जिते बड़े बेल बाजिब तार सालिवेशन आसला यहाँ गोटे कौन लर्निंग। सो दिस थियोरी इज नोन एज सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग एंड इट वाज डेवलप बाय पावलोव। इथे आम एग्जांपलटा को लिखिपर जो थे कि आम लिखा इन क्लासिकल कंडीशनिंग अनकंडीशनड स्टिमुलस माने फास्ट आगे फूड देले कंडीशन स्टिमुलस है साउंड ऑफ द बेल आर पेयर टुगेदर माने दीटा को एका थरे देले प्रेजेंटेड टू ए डॉग नंबर ऑफ टाइम देन साउंड ऑफ द बेल इज प्रेजेंटेड एलोन। तापर आम कौन कले खाली साउंड ऑफ द बेल देले देखिले कि इट एलिसिट सालिवा माने तार मुहर सालिवेशन आसला। सो दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर कॉजिंग सालिवेशन टू द साउंड ऑफ द बेल एंड इट इज नोन एज कंडीशनिंग। सो दिस इज नोन एज सिग्नल लर्निंग। माने सिग्नल देकि आम कंडीशन कले डॉग रा चेंज इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ओके आई होप आप सब बुझी आसी। देन आम नेक्स्ट जी एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग टा आम कौन स्टिमुलस रेस्पन्स लर्निंग भी आम कहीपरिया एटा इट वाज गिवन बाय थंड्राइक आउ ए सी कौन करते बहुत गुड एक्सपेरिमेंट करते एक्सपेरिमेंटा जमी आम देखे सिग्नल लर्निंग डॉग उपरूर सेमती एटा क्याट उपरूला। तो बीएफ स्किनर ऑन एनिमल्स एंड ग्राउंड यूज द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग इन ह्यूमन लर्निंग। तो एथरे से कौन होता सी कैट को केज रे रखी थे तापरे कैट को जिते बड़े कौन कराई जिते बड़े कैट रो केज आगरे गोटे माने तार खाइबा जिनस गोटे फिश सपोज रखाई तो से केज रे गोटे माने स्विच अच्छी जो स्विचटा को कि जो बटन टाक दाबी देले केजटा ओपेन हो। तो से क्याटा कौन कला रिपीटेडली ट्राए करुच्ची ताको बहुत जोर भोक रहा क्याट इज वेरी हंग्री मैंने एग्जाम्पलटा बुझा क्याटा बहुत हंग्री अच्छे। तो सी कौन कर रिपीटेडली से खोल चेस्टा करुच्ची जाइए खाईपर तो अटोमेटिकाली आफ्टर नंबर अफ ट्राएल सीटा को खोली दौर ठीक है खोली गला से कौन कर फिजटा को खाईपर। तो यहाँ कौन है द पजल बक्स एक्सपेरिमेंट कह जाए यहाँ को पजल बक्स एक्सपेरिमेंट अन् क्याट ता मैंने स्टिमुलस रेस्पन्स लर्निंग माने सीए एठी कौन है तार माने सीए गोटे टाइम सांगे बहुत थर ट्राए कला सीए सक्सेस हो पार तो गोटे जिनस रिस्क नेला प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड माने बहुत गुड़े सॉल्यूशन से खोजिला खोजी 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 फाइनाली सीए रेस्पन्स पहुँच पारा। तो स्टिमुलस आउ रेस्पन्स तार जो आसला सो दिस इज ए टाइप ऑफ लर्निंग दैट इज गिवन बाय थंड्राइक। ओके द नेक्स्ट आम आसवा चेन लर्निंग। चेन लर्निंग टा हूँ आम टू टाइप्स रो गोटे हूँ मोटर।